परमात्मा ने बिना अर्ज कद्वी वहां पर सभी जीवात्माओं को ज्ञान दिया कि मैं परमेश्वर हूं और ये देवताएं हैं, देवताओं की भक्ति न करके मेरी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो। परमात्मा ने बिना आर्ज कद्वी हमें ये सब कुछ पहले दे दिया हुआ है, दर्शन भी दे दिए, संभाषण भी दे दिया हुआ है, ज्ञान भी दे दिया हुआ है, फ्री के अंदर सब कुछ दे दिया है। लेकिन जब कोई वस्तु फ्री के अंदर मिले उसकी कदर नहीं होती। कदर कब होती है? जब कोई कीर्तनकार आपको बोले जी मेरा बजट 4 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, मेरे लिए बड़ी स्टेज लगानी पड़ेगी, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा, मेरे लिए कम से कम 1000-1500 की अगर गैदरिंग इकट्ठी करोगे तब मैं तुम्हारे शहर के अंदर आकर कार्यक्रम करूंगा। तब जाकर कदर होती है कि कोई कीर्तनकार आए थे और जहां पर कोई है ही नहीं है फ्री के अंदर, जहां पर ज्ञान बांटा जा रहा है वहां पर कोई लेने के लिए नहीं आता। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना कि परमात्मा जब उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं तो सामने केवल उद्धव ही है, कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। और जब श्री दत्तात्रेय महाराज जी या राजा यदु को ज्ञान दे रहे हैं उसके अतिरिक्त उस ज्ञान को कोई नहीं सुन रहा। और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं उस समय भी भगवान जी के सामने एक ही बंदा बैठा हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना कि परमात्मा जहां पर बोलते हैं वहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, और जहां पर जीव बोलता है 5-5 लाख रुपया लेकर वहां पर भीड़ लगी हुई है। कितनी बड़ी विडंबना आप यहां पर देख सकते हो।